हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इसका स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इफ टू फोर्सेज, दैट मीन्स एफ वन एंड एफ टू फोर्स हम यहाँ पे लेंगे और एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, यहाँ पे मैंने दो फोर्स ले लिया, एक फोर्स हमारा क्या है एफ वन है और दूसरा हमारा फोर्स जो है एफ टू है। ये हमारा फोर्स F2 है और एक्टिंग एट अ पॉइंट O, और इसके बीच का जो एंगल मैंने लिया है वो है एंगल हमारा थीटा। इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। OA के पैरेलल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। और OB के पैरेलल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दिया है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट का नाम मैंने डी दे दिया और इस पॉइंट का नाम सी दे दिया। ठीक है, और यहां से ओसी हमारा क्या है, ये रिजल्टेंट है और इसको आर से नोट कर दिया। अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक कंप्लीट पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है, एक ओ ए सी बी एक कंप्लीट पैरेललोग्राम है। अब हम लोग यहां से बात करें कि ये जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल हम लोग अल्फा लिया है और इसके ये पैरेलल ड्रॉ किया था ओ बी के, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। फ्रॉम फिगर, वी कैन राइट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे कि ओ ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एफ वन एंड ओ बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एफ टू। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब हम बात करते हैं इसको, हम लोग एडी को यहां पे फाइंड आउट करेंगे एडी। तो यहां से हम लोग निकाल रहे हैं कि कॉस, यहां से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस, ठीक है, हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा, एडी अपॉन, ठीक है, एडी अपॉन क्या आ जाएगा, आप बेस अपॉन हाइपोटेनस, एडी अपॉन एसी। और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी कॉस थीटा और एसी, और एसी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ टू लिख सकते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे एफ टू कॉस थीटा, ये हमारा हो गया एडी का वैल्यू, एडी का वैल्यू हमारा हो गया एफ टू कॉस थीटा। अगेन हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, एसी अपॉन, ठीक है, एसी अपॉन सी डी। अब जब हम यहां से निकालेंगे सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी
साइन थीटा, और ए सी को हम लोग लिख सकते हैं कि एफ टू साइन थीटा। ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया सी डी का, वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारा ए डी जो कैलकुलेट हो गया वो हो गया एफ टू कॉस थीटा, और ये हमारा सी डी जो हो गया वो हो गया आपका एफ टू साइन थीटा, ये हो गया कैलकुलेट। अब हम बात करते हैं यहां पे कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी और डी, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो यहां से क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ सी डी। अगर हम इसमें बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा होगा कि ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू, और ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो ओ सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा हमारा, और इसका हमारा क्या होगा, अंडर रूट होगा। अब ओ सी का स्क्वायर, सॉरी ओ डी, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और ओ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, इसका स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए ओ ओ ए, ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है ओ ए, यहाँ पे देखिए एफ वन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ वन प्लस ए डी, हमारा यहाँ पे क्या है, ए डी जो है आपका एफ टू कॉस थीटा है, तो एफ टू कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस सी डी, सी डी हमारा क्या है एफ टू साइन थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा प्लस, ये हमारा है, इसको स्क्वायर करेंगे तो एफ टू का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए एफ टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एफ टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ये हमारा आ गया आर इजिकल टू, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आर का जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया जब हम ये इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा जो है, ये अगर हमें अल्फा निकालना होगा ये एंगल, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि टैन अल्फा, अगर हम टैन अल्फा निकालेंगे तो टैन अल्फा कैसे हो जाएगा आपका सी डी अपॉन ओ डी, सी डी अपॉन ये वाला क्या हो जाएगा ओ डी, और सी डी क्या है हमारा, सी डी है एफ टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ डी, और ओ डी को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ओ ए प्लस ए डी, तो यहाँ पे क्या हो गया ओ ए, ओ ए हमारा क्या है एफ वन है, और ए डी क्या है आपका एफ टू कॉस थीटा है। अब अगेन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, टैन इनवर्स क्या हो जाएगा एफ टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, ये हमारा अल्फा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन फाइंड आउट हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आ गया, अल्फा का वैल्यू जो है ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक स्पेशल केसेस हैं, कंडीशन है जो हम लोग आगे इसमें देखेंगे, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस के अंदर फर्स्ट इसमें कंडीशन में ये कहता है कि व्हेन टू फोर्स एक्ट अलोंग सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन, व्हेन टू फोर्स, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट अलोंग
सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां से हम लोग इससे पहले अभी फॉर्मूला निकाला कि जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो होता है आपका एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा का अंडर रूट। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे जीरो रखेंगे। जब हम यहां पे जब जीरो रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वन। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा एफ वन का स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू, ये आएगा। ठीक है, ये हमारा आर इजकल टू आ गया। ठीक है, आर इजकल टू, अगेन हम इसका निकालेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसके ऊपर ये हमारा रूट है, तो इसको जब इसको रूट को हटाएंगे तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां से हमारा क्या हो गया, आर इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा दो फोर्स अगर एक ही लाइन में एक्ट कर रहा है और उसका दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है अगर सेम है, अगर हमारा ये फोर्स है, ये फोर्स हमारा F1 है और दूसरा हमारा फोर्स क्या है F2 है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, उस कंडीशन में हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो R इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिंपल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे F1 प्लस F2 करेंगे, ये डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन है इसमें, सेकंड कंडीशन के अंदर ये कहता है कि वेन टू फोर्स एक्ट अलॉन्ग सेम लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, कि वेन टू फोर्स, वेन टू फोर्सेस एक्ट अलॉन्ग, एक एक्ट अलॉन्ग सेम लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट अपोजिट इन डायरेक्शन, उस कंडीशन में हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो आप जब यहां से रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे 180 रखेंगे तो यहां से कितना होता है, 180 का जो वैल्यू होता है माइनस वन होता है, तो जब यहां पे माइनस वन होगा तो क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, अब जब इसको वैल्यू रखिए 2F1 F2 और cos 180 डिग्री, तो 180 का वैल्यू जब माइनस हो जाएगा तो देखिए अगेन आगे जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 इंटू F2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर इजिकल टू। दैट मीन्स सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा सिंपल क्या हो गया, आर इजिकल टू एफ वन माइनस एफ टू, ये हमारा आ गया, ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा जो है फोर्स जो है एक ही लाइन में एक्ट करेगा, अगर हमारा डायरेक्शन क्या होगा दोनों फोर्स का, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उस कंडीशन में रिजल्टेंट, अगर फोर्स एक लग रहा है एफ वन इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे वो सिंपल क्या हो जाएगा, एफ वन माइनस एफ टू हो जाएगा। तो ये हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड कंडीशन है व्हेन टू फोर्स, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल, एक्ट एट राइट एंगल, दैट मीन्स क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा,
और कॉस थीटा के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, तो 90 ये क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ से अगर एंगल निकालना हुआ तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एफ टू बाई एफ वन, ये हमारा अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन है कि वेन टू फोर्सेस आर इक्वल, अगर दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे तब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, दैट मीन्स एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, दोनों फोर्स को मैंने इक्वल कर दिया। तो यहां से फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा का अंडर रूट। अब दोनों फोर्स को सेम कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एफ कॉस थीटा इसका अंडर रूट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से अगर आप लिखेंगे तो r इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, टू एफ कॉस थीटा बाई टू, ये हमारा क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या होता है, टैन इनवर्स क्या होता है, सी डी अपॉन ओ डी, और सी डी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ डी, और ओ डी क्या है, ओ ए प्लस ए डी, और क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, ये है। और दोनों फोर्स को अगर आप सेम करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा, और इसको अगर अगेन हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो एक कॉस से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा आपका टैन इनवर्स इंटू टैन थीटा बाई टू, तो टैन से टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ से हमारा क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फा का वैल्यू और आर का वैल्यू, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से इसका जो स्पेशल जो केसेस हैं, चार हमने कंडीशन देखा, तो किस तरह से हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।